स्टूडेंट्स हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं वेव मोशन। वेव मोशन एक अच्छा सिंपल चैप्टर है और बहुत से फॉर्मूले होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स इसे डिसलाइक करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं आप यहां से। और सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है, वेव क्या होती है और किस टाइप की वेव होती है और उनका फिर एनिमेशन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में है हमारे पास, अ वेव इज द डिस्टर्बेंसेस दैट प्रोपागेट्स इन अ मीडियम। सबसे बड़ी बात आप देखिए मीडियम, वेव ट्रेवलिंग के लिए आपको चाहिए मीडियम। वेव इज द डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पोजिशन या किसी और पोजिशन से पार्टिकल का डिस्टर्ब होना, क्योंकि मीडियम जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो फिर से हम देखते हैं, अ वेव इज द डिस्टर्बेंस दैट प्रोपागेट्स इन अ मीडियम विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, यानी पार्टिकल मीडियम के ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, केवल डिस्टर्बेंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और उसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है जब आप किसी टिकट खिड़की की लाइन में लगे होते हैं और पीछे से किसी ने अगर धक्का दिया तो सबसे आगे वाले अल्टीमेटली सबसे आगे वाला धक्का पहुंच जाता है और सबसे आगे वाला गिर सकता है। तो आपके जो लाइन में सबसे आगे लगे हुए हैं उनको चोट पहुंच सकती है। यह क्या कर रहा है, बट इट ट्रांसपोर्ट बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो यह जो डिस्टर्बेंस हुआ हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स में हो गया, लेकिन एक मीडियम की बात करें तो मीडियम में तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और यह डिस्टर्बेंसेस किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, 1D भी हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं, 3D भी हो सकते हैं। और हमारा मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। और डिफरेंट टाइप की वेव्स हो सकती है, उनके डिस्टर्बेंसेस किस किस तरह के होते हैं और क्या क्रिएट करते हैं यह हम देखते हैं। लेकिन वेव के बारे में जो हमारी नॉलेज है वो इतनी होना चाहिए कि यह एनर्जी कैरी करती है, मोमेंटम कैरी करती है, लेकिन पार्टिकल इटसेल्फ मूव नहीं होता। पार्टिकल अपनी पोजीशन पर जरूर डिस्टर्ब होता है, अपनी पोजीशन पर जरूर ऑसिलेट होता है। और कुल मिलाकर जैसा कि आपने देखा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का दे रहा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किसी न किसी फोर्स से। तो अल्टीमेटली यह एनर्जी, यह डिस्टर्बेंसेस ट्रांसफर होते चले जाते हैं थ्रू आउट द मीडियम। तो आइए देखते हैं क्या होती है वेव्स, कितने तरह की वेव्स होती है। वेव मोशन को पार्टिकल्स की ऑसिलेशंस की डायरेक्शन और वेव मोशन, वेव की डायरेक्शन, वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दो तरह से देखा जाता है, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव्स होती है, जब वेव ट्रेवल होती है इस डायरेक्शन में और ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो यह हमारे पार्टिकल्स का ऑसिलेशन हो गया, पार्टिकल ऑसिलेशन हम देख सकते हैं यहां पर इस तरह से होते हैं इस डायरेक्शन में, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ वेव। तो यहां हम एग्जांपल देख रहे हैं ट्रांसवर्स वेव किस तरह से मूव होती है, और इसमें एक एक चीज आप अच्छे से समझ सकते हैं इस एनिमेशन से। आइए देखते हैं इसे। तो यहां देख रहे हैं आप, यह जो क्रस्ट के साथ में भी आप चल रहे हैं, इस क्रस्ट के साथ में भी चल रहे हैं आप, या इस टॉप के साथ में चलिए, यह आपकी वेव की स्पीड हो जाती है जो कि राइट साइड में आप देख रहे हैं। यहां पर किसी एक पार्टिकल को देखिए, इस ग्रीन पार्टिकल को देखिए, यह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यह हार्मोनिक वेव है अगर, तो यह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और आप इसके ऑसिलेशन देखिए, वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ऑसिलेशन इसके परपेंडिकुलर है। और यह जो मैक्सिमम हाइट है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द मीन पोजिशन, यह इक्विलिब्रियम पोजिशन है, यह एम्पलीट्यूड हो गया आपका, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ए इज द एम्पलीट्यूड, ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑब्वियसली मुझे लिखना चाहिए, शुरू शुरू में यह बात
ध्यान नहीं रहती, यह मीडियम के पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट हो रहे हैं, वे उस डायरेक्शन में मूव हो रही है, यह हो गई ट्रांसवर्स वेव। और आप देख सकते हैं यहां पर किसी दो बॉटम पॉइंट्स या क्रेस्ट और टोंग जिसे हम कहते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है लैम्बडा, दैट इज द वेव लेंथ। लैम्बडा इज व्हाट वेव लेंथ। इसके बारे में हम और देखेंगे आगे। और आप यदि इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस देखें तो यह भी लैम्बडा होगी। इनफैक्ट आप किन्हीं भी दो सेम फेस के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस देखें तो वह लैम्बडा होगी। तो हम देखेंगे इसके बारे में आगे, लेकिन हम सबसे पहले समझते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स किस तरह से होती है और उसके बाद देखते हैं वाटर वेव्स किस तरह से होती है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती है साउंड वेव्स। तो मैं आपको सबसे पहले लिख के बताता हूं, साउंड वेव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव मोशन और वेव्स। और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की दूसरी जरूरी बात जो हमें समझना है कि गैस में केवल गैसेस मीडियम में केवल लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ही पॉसिबल है। इन अ गैस ओनली लॉन्जिट्यूडनल वेव्स आर पॉसिबल। गैस में केवल लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती है, साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल। यह आपको याद रखना है। और यह याद रखना है कि गैस में साउंड वेव्स होती है जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और गैस में केवल लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती है। बाकी सॉलिड में तीनों तरह की वेव्स हो सकती है, दोनों तरह की वेव्स हो सकती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स किस तरह से होती है उन्हें समझना बहुत ही आसान है। हमने स्पीकर्स देखे होंगे, स्पीकर्स कुछ इस तरह से होते हैं और वह एक डायफ्राम लगा होता है जो इस तरह से ऑसिलेट होता है। तो स्पीकर्स से कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं कुछ इस तरह से एयर में। तो एयर में जो प्रेशर वेव्स होती हैं, जो प्रेशर होता है वह कम ज्यादा होता है, आगे ट्रेवल होता है, और यहां पर पार्टिकल ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में होते हैं और वेव की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होती है। तो आप देख सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन क्या हो गई, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव इज सेम, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यह बात फिगर से बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि ऑसिलेशन हम देख रहे हैं यहां पर इस तरह से हो रहे हैं पार्टिकल के, और वेव भी उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। तो साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल, दूसरी बात हमने देखी थी, इन गैस ओनली लॉन्जिट्यूडनल वेव्स आर पॉसिबल। तो इन गैस देर आर ओनली लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, और आप देख रहे हैं साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल, और उनमें और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है। ट्रांसवर्स वेव को तो एनिमेशन से आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, हम आगे फिर से देखेंगे इसे। और वाटर वेव्स, वाटर के सरफेस पर वेव्स होती हैं जो आपने किसी भी पॉन्ड में या नदी में पत्थर या कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट थ्रो करने पर देखी है। तो वाटर वेव्स में पार्टिकल दोनों तरह की मोशन करते हैं, पार्टिकल ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल दोनों डायरेक्शन में ऑसिलेशन करते हैं, और वाटर वेव्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेवल होती है। और हम देखते हैं यहां पर अगर दोनों वेव्स एक साथ हो रही है, दोनों ऑसिलेशन एक साथ होते हैं, तो यह इलिप्टिकल ऑसिलेशन हो जाते हैं, जो पार्टिकल होता है इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। तो हमारी कंसर्न यहां ज्यादा नहीं है। और जब भी हम न्यूमेरिकल यूज करेंगे वहां पर लॉन्जिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स वेव हो, दोनों की इक्वेशन साइनसोइडल साइन फॉर्म ये और कॉस फॉर्म में ही लेंगे, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन से ही डिफाइन करेंगे। तो हम आगे देखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। एक वेव कुछ इस तरह से भी ट्रेवल कर सकती है, वेव पल्स भी हो सकती है और हार्मोनिक वेव भी हो सकती है, जैसा कि हमने एनिमेशन में देखा। किसी भी केस में हम डिस्टरबेंसेस के मैग्नीट्यूड की बात करें, डिस्टरबेंसेस यानी इक्विलिब्रियम से पार्टिकल की पोजीशन हम मेजर करना चाहते हैं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाहते हैं,
तो वह पोजीशन यहां वाई होगी, क्योंकि वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस, ट्रेवल कर रही है वेव एक्स डायरेक्शन में, तो यह वाई जो पोजीशन है सपोज एक्स और टाइम का फंक्शन है। तो किसी भी पार्टिकल की, मीडियम के किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के लिए हम कहेंगे फॉर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ एनी पार्टिकल इन द मीडियम इन सेंस ऑफ ए पार्टिकल इन द मीडियम, y इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। y जो है डिस्प्लेसमेंट जो है, पोजीशन जो है वह मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, और वह x और टाइम t का फंक्शन होगी। यहां अगर लॉन्जिट्यूडल वे है तो वहां x फंक्शन x ही होगा, x विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड t, और प्रेशर भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकती है, जो भी होगा वह वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन वाले डायमेंशन वाले कोऑर्डिनेट एक्स और टाइम टी के फंक्शन होंगे। तो यहां पर हम एक रिलेशन वर्कआउट कर सकते हैं, यह रिलेशन होगा डेल्टा टू वाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी टू, या डेल्टा का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी ट्वाइस, एंड इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर द स्पीड ऑफ वेव डी टू वाई बाय डी एक्स टू। यह वेव इक्वेशन होती है, लेकिन हम इसे डिराइव करना नहीं चाहते हैं यहां पर, और न ही इसका सॉल्यूशन हमें नेसेसरी है। यहां हम देखेंगे इसका, अगर सॉल्यूशन देखते हैं वेव की, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका मतलब होगा वाई विल बी ए फंक्शन ऑफ समथिंग लाइक, अ फंक्शन ऑफ समथिंग लाइक ए एक्स प्लस माइनस बी टी, एक्स और टाइम टी का फंक्शन है। यहां पर देख सकते हैं आप वाई, और ए और बी के रिलेशन से आप देख सकते हैं यहां पर वी जो है स्पीड ऑफ वेव, आप इसे पल्स कहें या वेव कहें जो भी है, वह मीडियम पर डिपेंड करता है स्पीड कितना है, वह फाइंड होगा इस फॉर्मूले से वी बाय ए से। तो हमारा पहला फॉर्मूला यह हो गया कि v होगी जो स्पीड ऑफ वेव होगी, वह टाइम का जो कोफिशियंट है उसको डिवाइड करेंगे वेव की डायरेक्शन के कोफिशियंट से, वेव की डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट के कोफिशियंट से किसी भी वेव मोशन में। और यहां इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, f अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है तो वेव पीरियोडिक होगी, और f अगर एक सिंपल फंक्शन है तो यह पल्स भी हो सकती है, एक पल्स की इक्वेशन भी हो सकती है। तो आगे हम देखेंगे कि जब आप यहां f के लिए साइन या कॉस फंक्शन यूज करते हैं, साइन ए एक्स प्लस माइनस बी टी या कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी टी, तो यह हार्मोनिक वेव को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा अगर यहां पर कोई दूसरे फाइनाइट फंक्शन है तो यह पल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो f इज अ फाइनाइट फंक्शन, अगर f अगर फाइनाइट फंक्शन है जैसे कि e टू द पावर माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू वन अपॉन ए एक्स प्लस माइनस बी टी स्क्वायर प्लस टू, दीज आर पल्स, दीज आर वेव पल्सेस, वेव पल्सेस की इक्वेशन है। आगे हम देखने जा रहे हैं कि यह हार्मोनिक वेव्स किस तरह से हो सकती है, और हमने जो एनिमेशन देखा था वो हार्मोनिक वेव्स का था, हार्मोनिक फंक्शन के बारे में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में अच्छे से पढ़ चुके हैं, साइन और कॉस हमारे हार्मोनिक फंक्शन है। तो एक हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, और इस जनरल फॉर्म पर बेस भी कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जिसे हम छोटे से कंसेप्ट से सॉल्व कर लेंगे, वो कोई मुश्किल बात नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स का एक रिलेशन जो है वो आपको हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए। तो आगे देखते हैं, हम यहां देख रहे हैं एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्रोग्रेस
स्यू का मतलब यह इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस होती है, मूव होती है, प्रोपागेट होती है। और हार्मोनिक तो आप डायग्राम से ही देख रहे हैं, हार्मोनिक वेव है। इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं और उसी के कारण यह वेव इस तरह से हार्मोनिक वेव क्रिएट होती है। तो आप देख सकते हैं वाई डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स ओवर टाइम टी का फंक्शन है यहां पर। इसे इन शॉर्ट वाई लिखा जाता है, जो कि एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड यहां आप देख रहे हैं यह एम्पलीट्यूड है, यहां से यहां तक भी एम्पलीट्यूड है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से लिखा जाता है इसे, या ए और ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी से भी लिखा जा सकता है। बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या है। के एक्स माइनस ओमेगा टी फेज होता है, फेज, क्योंकि यह सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है किसी भी एक पार्टिकल की जो यहां से एक्स डिस्टेंस पर है और आफ्टर टाइम टी हम उसकी, एट अ टाइम टी हम उसकी पोजीशन यहां से लिख रहे हैं। तो आप किसी भी पॉइंट पर यहां से एक्स देखें आप, और उस पार्टिकल के लिए, सपोज इस पार्टिकल के लिए आप बात कर रहे हैं, तो इस पार्टिकल की आप पोजीशन के लिए यहां पे एक्स और टाइम टी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, तो आपको मिलेगा फेज। और फेज अगर मिलता है उसका साइन या कॉस अगर फंक्शन है, तो यहां पर उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मिलेगी ऊपर या नीचे इस लाइन के। तो इसका मतलब वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसके पार्टिकल्स की इक्वेशंस, मोशन की इक्वेशन पता होना चाहिए। तो इस प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के पार्टिकल्स की सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन इक्वेशन से। और हम एक बात बहुत आसानी से देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था, v इज ओमेगा अपॉन k, v इज ओमेगा अपॉन k, v क्या है, ओमेगा क्या है, यह तो हम जानते हैं, v इज द स्पीड ऑफ वेव, इसे फेज वेलोसिटी भी कहते हैं, फेज वेलोसिटी। और फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी में हम फिर से डिस्कशन करेंगे, छोटा सा डिस्कशन है फिलहाल, वो यहां इतना मायने नहीं रखता। तो यहां हम एक और बात देखते हैं, अगर इफ साइन ऑफ एक्स एंड टी आर डिफरेंट, then wave travels in positive x direction. This is very important to understand here. अगर यहां पर आप साइन देख रहे हैं x और t के कोफिशियंट k और ओमेगा है respectively, लेकिन उनके बीच जो साइन है वो नेगेटिव है, यानी यहां टी के कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है। ऐसा भी हो सकता है कि टी माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स कहीं पर लिखा हो, तो दोनों के डिफरेंट हो गए, मतलब एक का साइन पॉजिटिव हो गया और एक का साइन नेगेटिव हो गया। अगर अपोजिट साइन है, जैसा कि मैंने लिखा है, डिफरेंट साइन है, तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ऐसा क्यों होगा आप खुद समझ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं आप, यह डायग्राम से देखिए। तो देखते हैं हम, जो वेव मोशन आपने देखा था वो इस डायरेक्शन में है, और यदि आप किसी एक पार्टिकल को देखें, सपोज आप इस पार्टिकल को देखते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहां जो पार्टिकल था उसकी पोजीशन यहां होगी, यानी एक्स इंक्रीज हो गया, और मैंने क्या कहा, थोड़ी देर बाद, यानी थोड़े टाइम बाद टी भी इंक्रीज हो गया। जब एक्स भी इंक्रीज होगा, टाइम भी इंक्रीज होगा, तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और कॉस के अंदर जो फेज है वो सेम फेज हो जाएगा, सेम फेज होगा, तभी तो वो यहां होगा। फेज का मतलब ही होता है कि वो मीन पॉइंट से कहां पर है। तो जैसे कि हमने देखा था, टॉप पॉइंट आगे शिफ्ट होता जाता है, जो टॉप है वो आगे शिफ्ट होता जाता है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे टॉप यहां होगा, यानी एक्स यहां इंक्रीज हो जाएगा, इसके मुकाबले यहां पर एक्स ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में यहां पर एक्स की वैल्यू ज्यादा है, एक्स कोऑर्डिनेट की। और थोड़ी देर बाद यह पॉइंट यहां पहुंच जाएगा,
इसका मतलब टाइम और एक्स दोनों यदि आप इंक्रीज करें तो के एक्स माइनस ओमेगा टी की वैल्यू सेम होगी दोनों इक्वेशंस में, तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये पार्टिकल टॉप पर है तो टॉप पे रहेगा, यहां का पार्टिकल टॉप पर पहुंच जाएगा उस वक्त,